अस्सलाम वालेकुम प्यारे बन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज हम लाखों के तरीके के साथ आते हैं, हमें चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो अभी तकरीबन दोपहर का टाइम हो रहा है और रात मुकद्दस की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे हम, क्योंकि उसे बुखार थोड़ा थोड़ा था लेकिन हमें पता नहीं था। उस वजह से फिर उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लग गई, जैसे सिया लग जाता है। तो कांपते कांपते वो इतना हमें जो है ना टेंशन में, हमने कहा अचानक खेल रही थी पता नहीं क्या हो गया। तो फिर गए डॉक्टर के पास, उन्होंने से दवाई ली है। रात तक अभी तक बुखार ज़्यादा उतरा नहीं है, अभी भी दवाई खिलाई है। देखते हैं शाम तक अगर सही हो जाती है तो सही है, क्योंकि रात जल्द से दवाई ली है। अगर ना सही हुई फिर डॉक्टर ना से रहे बस की मिनट, फिर वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो अल्लाह खैर करे कि ऐसे ही ठीक हो जाए, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हुआ है ना, जैसे बादल वगैरह बने हैं, बारिश का मौसम बना है, तो थोड़ी सर्दी फिर से आ गई है। इस वजह से बड़ों को बच्चों को सबको बुखार आ गया। सभी सो रही है, अल्लाह करे कि आप बुखार से ना हो। छोटे बच्चों का फिर पता नहीं चलता, क्योंकि वो बता तो नहीं सकते कि हमें क्या है। तो इस वजह से रात में हमें कोई समझ नहीं आ रही थी किसे क्या, लेकिन जितनी भी वो उसे बुखार था फिर भी वो बातें कर रही थी। और मुझे यही लगता है कि उसे नज़र भी कुछ लगी है, क्योंकि पिछली जिस वीडियोस में उसने काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं, तो सब यही कह रहे थे कि उसको नज़र लग गई है। उतर के आया ही ओ मास दिखे जिंदगी, मेरा पुत्र उठ आया ही। पाचा पाचा मुक्का बेटा, आचा पाचा। हाँ मैं दो पठान हूँ, बुखार भी है ऐसे। तो जिसको कंबल में जो है ना लपेट के सुलाया है, क्योंकि इसे सर्दी इतनी लग रही थी ना, कांपने लग गई है। अभी भी इसको बुखार है, मुझे लगता है बस्ती में लग जाना पड़ेगा। कभी इतना हालत है, बुखार मुकद्दस को नहीं आया, आता है लेकिन हल्का हल्का आता है कभी कभार, वो भी जुकाम की वजह से। मुझे ये जो है ना मुकद्दस की दवाई ली है, तो उसने कहा है कि आप ये दें, आज तक अगर ठीक हो जाती है तो ठीक है, वरना इसका जो है ना इसका अपना मलेरिया का टेस्ट करवाएं। ये देख, ये हमने कल जिला से दवाई लिया थे, लिया है, हालांकि ये जिला के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं जी। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला छुपा दे, तो देखते हैं मुकद्दस की तबीयत ठीक होगी तो सही है। आप भी जिस्म गर्म है? बहुत गर्म है अभी, बहुत गर्म है। फिर लेके जाते हैं इसको, क्योंकि ये जब तक ठीक नहीं होगी तो हम तो ठीक नहीं है ना। लेकिन माने रात तो ऐसे हाथ पांव मेरे खुद के कांपने लगे ना, जब मुकद्दस को मैंने देखा कि इसके हाथ पांव उसमें ज्यादा कांप रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कितने छोटे बच्चे को कभी सिया नहीं लगता है। तो पता नहीं ये अजीब इसको बुखार आया इस बार। हाँ सर्दी लग गई है, किस्म की हवा लगी है अब। हालांकि इतनी सर्दियां नहीं है, देखिए कितना मौसम बदल गया है, गर्मी आ चुकी है। ये रख दे के देखते हैं इधर जाते हैं या फिर। देख रही है, ये जी जहा इधर आज किचन में आ गए। इसको मारना नहीं है, मारना नहीं है, इसको सिर्फ हिलाओ हिलाओ। हाँ आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से हिलाओ 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 हिलाओ। आवाजें आ रही है जनाब, मारो नहीं मारो नहीं, ऊपर से सुकून से हिलाओ इसको। एक मिनट एक मिनट, चलो रास्ता दो इसको। हाँ जाने दो जाने दो जाने दो, उठाओ 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 इसको। चलो ये है जीजा, ये देखें जूम करके दिखा रहा हूँ, इधर देखें जी, छोटा सा प्यारा सा एक डॉगी है, इधर घास खा रहा है। ये क्या खा रहा है असद? ये तो मिट्टी खा रहा है। नहीं नहीं ये क्या खा रहा है? घास तो नहीं खा रहा है ना? ये तो कुकर की
कुकड़ की बोटी खा रहा है, मुर्गी की बोटी खा रहा है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। आज तो फिर मुझे कुछ बांटना चाहिए। साबरा घास काट रही है, शौक की वजह से या जरूरत है? घास मुझे पसंद आया इस वजह से। माशाल्लाह जी, ये लूसेन का घास है और बहुत बड़ा बड़ा घास है। साबरा से पूछते हैं कि आज क्या बनाना है, पता नहीं अभी तक डिसाइड कोई नहीं आज किया। मैं आपको हकीकत बताऊं। अच्छा, सुबह होती है शाम तक अम्मी से पूछ रहे क्या खाना है। हाँ। मुझे पता नहीं। अबू से पूछना आज क्या खाना है, कुछ नहीं। मुझसे पूछते, मैंने कहा जो अम्मी अबू खाएंगे वो पूरे दिन में शाम घर में इस घर में किसकी मेरी बात सुनो, घर इस घर में किसकी मर्जी चलती है वो आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं कि किसी की मर्जी नहीं चलती है ना साबरा। तो अच्छी धूप निकली हुई है, डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि शाम को क्या खाना है। वैसे जो चीज मैं अपनी मर्जी की ले आऊं ना, ठीक है ना, वो चुप करके ये फिर पका लेते हैं, फिर लास्ट मेरा फैसला। तो अभी जा रहा हूँ ना, इस वजह से तो पूछ रहा हूँ जनाब कि आज क्या खाना है। ले आए फिर मुकद्दस की दवाई भी लेनी है। आज जाएंगे हॉस्पिटल? हाँ, आप चेकअप करवाना है। तो मुकद्दस की वजह से काफी ज्यादा हमें परेशानी हुई है, आज दूसरा दिन है तो उसकी दवाई ले रहे हैं, अल्लाह ताला करम करे। बस थक गई हो साबरा? दो थबियां सारियां काटियां यहाँ अपनी, मुझे तो नहीं लगता। मैंने इतना काटा है, आपने कभी काटा है? हंस किस लिए रही हो? आपको तो काटना ही नहीं। मुझे तो लगता है आपको सांसें चढ़ गई हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, आपकी मर्जी। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छे फूल निकले हुए हैं और नज़ारा बहुत ही प्यारा है हमारे गांव का। ये देखें, अभी शाम होने वाली है तो अफ्तार का टाइम भी बस होने ही वाला है, तकरीबन 45-50 एक घंटे के से कम जो है ना टाइम रह गया है। चलो एक घंटा भी रहता है, टाइम होने वाला है। हाँ, तो बस एक घंटा गुजरने में कितनी देर लगती है। तो जी, आज मैं थोड़ा सा अपना काम बताना चाहता हूँ, क्योंकि साबरा तो रोज़ अपने काम बताती है ना कि जाना वो क्या कर रही है अपनी वीडियो में। आज जो है ना मैंने ये देखें, ये जो है ना आज इधर से लेकर वहाँ तक जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 1 बीघे के करीब बनता है। तो यहाँ पे नई सब्जी काश करने के लिए मैंने सुबह गोड़ी दी है, तो जनाब जो है ना उस वक्त बिल्कुल हाँ, ये भी 1 बीघा होता है, यानी कि इसकी लंबाई जो है ना वो 4 कनाल है। बताता हूँ मैं इसकी, ओहो अच्छा, वाह जी वाह, क्या बात। बात सुनो, स्लो स्लो करके बंदा काम करता है। अब ये तो नहीं है कि धड़ाला धड़ाल काम, ये बहुत है, क्या कहते हैं उसके लिए टेंशन बन गया। ना ना, मोटा छोटा नहीं हूँ मैं इतना, अल्हम्दुलिल्लाह सही हूँ। चलो धनिया वगैरह तोड़ के ले आओ, तो देखते हैं, अम्मी से भी पूछते हैं कि क्या पकाना है। हाँ, धनिया दिखाना, अभी तक हमारा लास्ट टाइम है धनिया। देखें चारा है जिसपे फूल निकल आए हैं, ये देखें। तो जी अभी सामान मंगाया है, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं थी, आज सुबह जले गए नहीं है, तो अभी दही भी मंगाई है और रोटी मंगाई है, क्योंकि अभी अफ्तारी का टाइम होने वाला है, और सब्जी मंगाई है, बैंगन आलू। ना ना, बैंगन आलू नहीं, आलू बैंगन। आज रोले बने हुए हैं ना, आपकी और मेरी च्वाइस नहीं मिल रही ना। मुकद्दस को देखो, मुकद्दस की तबीयत देखें जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है आपकी? कुछ बेहतर है, हंस रही है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हंस रही है बेटा, हंस रहा है? हाँ, उठाऊँ आपको बाबा की जान को उठाऊँ? अच्छा नहीं, कुछ बेहतर है अब है ना, कुछ बेहतर है। चलो उठाओ, ड्यूटी शुरू करते हैं। क्या कर रही हो?
अल्लाह हु करे नहीं पिया इन्हां दा बेटा करे नहीं तो को लगदे भी कुछ करे नहीं पिया सही बात है बैंगन बिल्कुल फ्रेश हैं ये बात नहीं है आलू और बैंगन पका दो कुछ नहीं होता कल तक ये खत ऐसे पड़े रहेंगे अगर आपकी मर्जी है अगर सिर्फ आलू पकाना चाहो तो आप पका लो रात चिकन था दिल भी करता नहीं है ये मैं सुबह सुबह से मुझे गुस्सा नहीं आता सुबह से लेकर शाम तक आप नहीं बताते हो वो गुस्सा मुझे नहीं आता चलो मैं बना रही हूँ आपकी मर्जी आप क्या कह सकते मेरी बात सुनो अम्मी और अबू की फिर चॉइस को देखना भी जरूरी होता है हम अपनी मर्जी भी नहीं कर सकते ना वही तो कह रही हूँ ना वो हाँ। खाएंगे फिर वही बनाएंगे ना वही बनाएंगे यही यही बात है और कोई मसले वाली बात नहीं है लो अल्लाह खैर करेगा आप बनाओ अल्लाह बेहतर करेगा अब आलू बैंगन बनाने हैं आपकी मर्जी है मुझे क्या पता आलू बैंगन बना रहे हैं बना दो थोड़े बनाना इनमें से हाफ बनाओ हाफ रख दो क्योंकि राइस वगैरह फ्रूट वगैरह सब कुछ होता है दिल नहीं करता फिर खाने का आप समझ रही हैं ना इस वजह से बोल रहा हूँ तो जी बस वीडियो कहीं पैन करते हैं अपना दूसरा ख्याल रखना है तो हम याद रखने नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ ओके जी टेक केयर अल्लाह हाफिज़